गवर्नमेंट ने कहा भी है कि पैसे न बढ़ाए जाएं, उसके बावजूद वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। पब्लिक क्या करेगी, वो तो मजबूर है, लेना ही लेना है। जाहिर है कि दूध को इस्तेमाल तो नहीं छोड़ सकते। हुकूमत तो ये कि उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है। हुकूमत है कहाँ? हुकूमत अगर हो तो कंट्रोल करे। कोई रीजन तो आप लोग दें जो दाम बढ़ा रहे हैं। सब अपनी मनमानी करते हैं, जिसका दिल चाहे बढ़ा जाता है, ऊपर से कोई पूछने वाला होता नहीं है। दूध के अलावा दूसरी चीजें भी इतनी महंगी हो रही है, तनख्वाहें नहीं बढ़ रही है और चीजें महंगी होती चली जा रही है। हुकूमत तो तमाशा देख रही है बस। डॉलर नीचे आ गया है, ऑयल प्राइसेस नीचे आ गई है, तो बेसिकली इन्फ्लेशन को भी नीचे आना चाहिए। हाइपर इन्फ्लेशन खुद बनाया गया आर्टिफिशियली, मिसमैनेजमेंट है, और कुछ भी नहीं है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर। महंगाई का तूफान बेकाबू है, महंगाई हर तरफ बरपा है। कराची वालों के ऊपर एक और सितम कर दिया गया है कि रातों रात दूध की कीमतों में 20 रुपये इजाफा कर दिया गया और एक महीने के अंदर 40 रुपये का इजाफा हुआ है। एक रिपोर्ट तैयार की गई है, वो देख लेते हैं और आज कराची वालों से बात करेंगे कि जो महंगाई का जिन बेकाबू है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। कराची की इंतजामिया लापरवाह। कराची में दूध की डबल सेंचुरी मुकम्मल। मुनाफा खोर दूध फरोशों ने कीमत 20 रुपए फी लीटर बढ़ा दी। कराची के मुनाफा खोर दूध फरोशों ने रातों रात हुकूमती अहकाम रोन कर दूध की कीमत में 20 रुपए फी लीटर मनमाना इजाफा कर दिया, जिसके बाद शहर में दूध 200 रुपए फी लीटर में फरोख्त होने लगा। वाज़ेह रहे कि दूध की कीमत में मुसलसल दूसरी बार 20 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया। इससे कबल 8 सितंबर को कराची डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन ने कीमत में इतना ही इजाफा किया था। दूध फरोशों ने कीमतों में इजाफे का सबब सैलाब के दौरान मवेशियों की हलाकत और फसलों को होने वाला नुकसान करार दिया है। याद रहे कि कमिश्नर कराची ने दिसंबर 2021 में ताज़ा दूध का रिटेल रेट 120 रुपए फी लीटर मुकर्रर किया था, लेकिन इसके बाद से शहरी इंतजामिया अजनास की सरकारी तौर पर मुतलाशुदा कीमत को नाफिज करने में नाकाम रही। जबकि शहरियों का कहना है कि कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद अब दूध खरीदना मुश्किल हो गया है। जिला इंतजामिया शेख खुर्दनोश की अपने ही जारी की गई फहरिस्त पर फरोख्त को यकीनी बनाए ताकि महंगाई पर काबू पाया जा सके। क्या कहेंगे, दूध की कीमतों में रातों रात इजाफा कर दिया गया है, एक महीने के अंदर दूसरी बार 40 रुपए का इजाफा किया गया है। ये इजाफा जो किया गया है मनमाना है, हालांकि गवर्नमेंट ने कहा भी है कि पैसे न बढ़ाए जाएं, उसके बावजूद वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो ये क्या कह सकते हैं कि इसमें हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है, उनको कंट्रोल करना चाहिए। तो ये कि पब्लिक क्या करेगी, वो तो मजबूर है, लेना ही लेना है। जाहिर है कि दूध को इस्तेमाल तो नहीं छोड़ सकते। अभी मैं दूसरी चीज़ लेकर आ रहा हूँ, उसके ऊपर जो है 40 रुपए बढ़ चुके हैं। किस चीज़ पर? चाय के ऊपर, चाय पत्ती पर। टपल जो है अभी लेकर आ रहा हूँ, तो उस पर 40 रुपए बढ़ गए हैं और बता रहे हैं कि अगले हफ्ते में मज़ीद उसके ऊपर पैसे बढ़ रहे हैं। तो महंगाई जो है, इसके लिए मैं और आप क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, अपनी मर्जी से ही बढ़ा रहे हैं तमाम लोग। एग्जैक्टली ऐसा ही है कि ये अपनी मर्जी से ही बढ़ा रहे हैं। क्या कहेंगे, हुकूमत से क्या कहना चाहिए? हुकूमत तो ये कि उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है। हुकूमत है कहाँ? हुकूमत अगर हो तो वो कंट्रोल करे, कंट्रोल तो है ही नहीं किसी का, और कौन कंट्रोल करेगा, हुकूमत करेगी। गरीब का गुजारा कैसे होगा अगर इसी तरह कीमतें बढ़ती रहें? तो राशन की कीमतों में भी जाहिर से बात है, जो 10,000 का सामान आता है वो तकरीबन 15-12,000 का आएगा। मोर देन, उससे भी 15-12,000 की बात नहीं करें, तकरीबन 18 से 22,000 तक पहुँच रहा है वो, जो महंगाई बढ़ चुकी है। तो गरीब का जो है सख्त सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ये मत कहिए कि गरीब जो है वो गुजारा कर लेगा, नामुमकिन। जो कुछ भी हो रहा है, जहाँ तक प्राइसेस का जो मामला है, एज अ मैटर ऑफ इकोनॉमिक इज कंसर्न, इट्स टोटली नॉट राइट, यू सी, इन द फेवर ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज फॉर पाकिस्तानीज। और जितनी जो हमारी मामले जो इस वक्त हो रहे हैं, इट्स बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट। हम बहुत सी चीज़ें एक्सपोर्ट करे जा रहे हैं, जो ईटेबल्स हैं, एडिबल्स। दूध तो हमारे मवेशी, हमारे यहाँ से बाहर जा रहा है ना कहीं तो जा रहा है। ये ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी हम इतनी महंगाई में फंसे हुए हैं? एक तो मैं मानता हूँ इंटरनेशनल रिसेशन है हर लिहाज से, बट व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट इफ़ यू ट्राई टू कटेल द एक्सपोर्ट, यू सी, उसमें हर चीज़ हो सकती है। जैसे आप घर के अंदर होते हैं, अपने घर का किस तरह से राशन को आप प्रक्योर करते हैं, या हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बात को आप ले लें, उन्होंने ज़खीरा किया था ना कुछ चीज़ों का अपने। तो हम तो करते ही कुछ नहीं हैं, हम तो ये कहते हैं जितना हो सके बेचो और पैसे कमाओ,
तो वो मुझे इसका नहीं मालूम मुनाफा खोरी है नहीं है, लेकिन प्राइसेस जो तो बढ़ती हैं ना वो सही नहीं है। दैट हैज टू बी इंप्रूव। हुकूमत को चाहिए कि दे शुड कंट्रोल इट एट ऑल लेवल्स। यू सी वेयर एज आई एम इन फेवर ऑफ द पीपल दैट जो आवाम है इनकी खातिर हमें बहुत कुछ करना होगा एंड वी हैव टू चेंज द सिस्टम। अगर सिस्टम चेंज नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि दूध की कीमतों में इजाफा हो गया, हम एक दूध की शॉप में खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। सर ये महीने के अंदर दूसरी बार इजाफा हुआ है, पहले भी 20 रुपए का इजाफा किया गया था, फिर उसके बाद तीन महीने के अंदर। अच्छा जी, क्यों ये क्यों किया जा रहा है? आपकी दुकान है, आपके पास दूध आता है, तो फिर क्या कह रहे हैं? अब ये तो पीछे भैंस वाले जानते हैं जी, महंगाई के लिए पेट्रोल में देखें कितना इजाफा हो गया, तो इसी वजह से दूध में भी इजाफा हो रहा है। दूध में जब इजाफा हो रहा है तो आवाम खरीद रही है? बस देखें आपके सामने आवाम की मजबूरी है, लेना क्या करेगी आवाम, बच्चों को तो पिलाना है। और दही की कीमत में भी इजाफा हो जाएगा? दही की में भी हो गया, दही 300। अच्छा तो अब दही की कीमत 280 रुपये। अच्छा ये लगाया हुआ भी उन्होंने? ये सामने लगाया हुआ है देखें। और अंडे की कीमत वैसे ही है, मगर सर्दी आ रही है, अभी अंडे की भी कीमत भी बढ़ जाएगी। 250 रुपये गर्मी में चल रहे हैं तो सर्दी में जाहिर है अंडे बढ़ेंगे। एक दर्जन 250 जी, 300 हो जाएंगे। ये कह नहीं सकते कि बढ़ेंगे या कम होंगे, लेकिन सर्दी में ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो बढ़ेंगे ज़्यादा। ये आप बताएं, क्योंकि आप लोगों के दूध आते हैं तो सप्लाई में भी कोई खलल है, कोई वजह है? क्योंकि कहा जा रहा है कि सैलाब जहाँ पर आया है वहाँ पर मवेशी भी मरे, तो जाहिर सी बात है वो कोई कमी है इस वजह। शायद ये कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वो सप्लाई में खलल यही आता है, भाई घरों में जाते हैं सप्लाई के लिए, लोग कुछ कम कर देते हैं महंगाई की वजह से, फिर नहीं कुछ इस रेट ले सकते। फ्रूट्स की कीमतों में भी होशुबा इजाफा है, क्या आवाम ख़रीद रही है? क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है, क्या कहेंगे सर? कितने रुपए किलो जो है अनार? अनार है 250 रुपये किलो, कंदारी अनार है लाल और मीठा। अच्छा तो ये आ रहा है, क्योंकि कहा जा रहा था कि तो सारी सप्लाई बंद हुई हुई है, उसके बाद कुछ ही सामान आ रहा है। सामान तो आ रहा है, महंगाई बहुत हो गई है, इतनी जितनी महंगाई कर दी है, रास्ते जाम है, उसके सामान महंगा आ रहा है। तो अभी ख़रीदार आते हैं खरीदने के? खरीदार तो आ रहा है, लेकिन खरीदार कम हो गया, हर किसी के रेंज से बाहर हो गया। अभी सौदा महंगाई इतनी हो गई, क्या करें, हर बंदा परेशान है। फिर आप ख़रीदने आए तो क्या कहेंगे महंगाई इतनी हो गई, दूध की कीमतों में इजाफा है, सब्ज़ियाँ तो बिल्कुल ही आसमान से बातें कर रही हैं उसकी कीमतें, अब फल में भी इतना इजाफा हुआ है। असल के ये जो हुकूमत आ गया ना, इसमें बहुत महंगाई हो गया, और थोड़ा बहुत बारिशों की वजह से भी हो गया, रास्ते भी है, इसके ऊपर टैक्स भी लगाया, तो महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई। दूध की कीमतों में रातों रात 20 रुपये का इजाफा हुआ है, जो बड़ा इजाफा है। दूध तो बहर हाल इतना महंगा नहीं हो चाहिए, लेकिन अभी बीमारी आ गया, गाय वगैरह ये मर गया ना, कोई इसकी वजह से हो सकता है। जिस तरह से दूध की कीमतों में इजाफा हुआ है, चिकन है, दही है, सब्ज़ियाँ बहुत महंगी हो रही हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि सैलाब की वजह से जो माल था वो ख़राब हो गया है। गोश्त की कीमतें, जो मुर्गी गोश्त की कीमतें हैं वो कितनी बढ़ रही हैं, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कितनी कीमत बढ़ रही है मुर्गी कीमत डेली बेसिस पे बढ़ रही है? बहुत ज़्यादा है रेट, ये कभी 450, कभी 480, कभी 500, कभी 520, कभी 480 रुपये, कभी 460 रुपये। आज की क्या कीमत? आज की कीमत है 440 रुपये। मतलब बड़ी है, बड़े हुए हैं। क्यों चीज़ें बढ़ जाती हैं? सप्लाई है ही नहीं, मुर्गी है ही नहीं, माल नहीं, ये कहकर माल नहीं बढ़ा दिया जाता, बढ़ा ही देता। अच्छा क्या वजह है जो माल नहीं है? मतलब मुर्गी सलाद है, सलाद में मुर्गी मर गया है, नुकसान हो गया, इसमें माल पैदा हो रहा नहीं, एक डेढ़ महीने से रह गया। मुझे बताइएगा सर, सप्लाई ज़्यादा नहीं आप कह रहे हैं कि है, इस वजह से बड़ी कीमतें, मगर जो ख़रीदार है वो आता है आपके पास, या आप लोगों का कारोबार मुतासर हो रहा है? बहुत कम आता है, खरीदारी नहीं है अभी, बहुत कम है, मार्केट बैठा हुआ है, माल महंगा है ना, इसलिए लोग लेता नहीं। अभी शादी का सीज़न है, तकरीबात हो रही है, वो बहुत ही कम है, बहुत कम हो रहा है, मगर लेता नहीं कोई, महंगी है ना मुर्गी। घर की खवातीन, क्योंकि उनको पूरा किचन चलाना होता है और पूरे महीने में जो है क्या बनना है, किस तरह बनना है, और महंगाई भी है, उनसे बात करते हैं। खातून जो है पूरे घर को लेके चलती हैं, पूरे महीने का राशन उनको चलाना होता है, इस दौर में जो इतनी महंगाई हो गई है तो किस तरह से गुजारा हो रहा है, और जो दूध की कीमतों में इजाफा हुआ है उस पर क्या कहेंगे? देखिए मैं यही कहना चाहूँगी कि ये मिडिल क्लास लोगों पर, जैसे हम जैसे लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए मसले का बाइस है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, जिस घर में जिसका एक बच्चा है, दो बच्चा है, उसके लिए दूध पिलाना मुश्किल हो गया है,
मेरा अपना छोटा बच्चा है, हमें दूध का सोच के ही ज़ाहिर है मुझे परेशानी शुरू हो जाती है कि भाई इसको तो देना ही मुझे दूध है, तो मैं इसको क्या पिलाऊँ क्या बनाऊँ। उसके दूध के अलावा दूसरी चीज़ें भी इतनी महंगी हो रही हैं, तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं और चीज़ें महंगी होती चली जा रही हैं। सब्जियों की कीमतों में इजाफा है, गोश्त सब्ज़ी तो बिल्कुल गोश्त के बराबर हो गई है कि इंसान जो है ना बोले कि सब्ज़ी छोड़ो और गोश्त ही खा लो, बराबर हो गया है बिल्कुल। हुकूमत से क्या कहेंगे क्योंकि कोई प्राइस कंट्रोल लिस्ट कमेटी बाज़ारों में दिखती नहीं है और मुनाफाखोर मुनाफाखोरीगिरी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी ही बात है, मैं हुकूमत से ये रिक्वेस्ट ही करना चाहूँगी कि प्लीज़ इस चीज़ों का ज़रा सर्वे करें, देखें आकर के कि जो अपनी तरफ से भी और ज़्यादा पैसों में इजाफा, क्योंकि मुख्तलिफ दुकानों पे हर चीज़ों के मुख्तलिफ रेट हैं, तो एक प्राइस कंट्रोल की चीज़ें हैं वो देखी जाएँ और ज़रा थोड़ा सा आवाम का ख्याल किया जाए, ये मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है। बाकी तो मैं यही कह सकती हूँ कि अल्लाह हम सब पे रहम करें, उनको भी समझाएं। दुकानदार कह रहे हैं कि उनका कारोबार नहीं है और चीज़ें जो हैं अशिया ज़रूरिया वो इतनी महंगी हो रही हैं कि पहुँच से दूर हो रही है। दुकानदार क्या कहते हैं कि उनका गुजारा किस तरह हो क्योंकि ग्राहक है नहीं, क्या कहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से हम देख रहे हैं हर दिन हमें कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है कि दूध की कीमत में 20 रुपए का इजाफा हो गया, सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं, फल तो इंसान ख़रीद ही नहीं सकता, मगर आप लोगों का कारोबार कितना मुतासर हुआ है और जो दूध की कीमतों में इजाफा हुआ है उस पर क्या कहेंगे? लेकिन बात यह है कि दूध का बढ़ाने का बेसिक वजह क्या कहूँगा, इस वक्त इतनी महंगाई जो कर दी है, दूध में बढ़ाने की क्या चीज़ महंगी हुई? चारा महंगा हुआ है या ट्रांसपोर्ट महंगी हुई या पेट्रोल महंगा, कोई रीज़न तो आप लोग दें जो दाम बढ़ा रहे हैं। सब अपनी मनमानी करते हैं, जिसका दिल चाहे बढ़ा जाता है, ऊपर से कोई पूछने वाला होते नहीं है। अब बिला वजह दूध के दाम बढ़ाया, अभी रमज़ान तक आप लोग 250-300 रुपये कर देंगे, गरीब आदमी बेचारा रमज़ान दूध भी नहीं पी सकेगा, मर जाएगा बेचारा। इसलिए हम लोग के पास दिख रहे हैं आजकल जो पाउडर वाली फॉर्म के दूध है वो कुछ कस्टमर हजरात वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो सस्ते पड़ रहे हैं एवरीडे वगैरह इस किस्म के। ये क्या, ये भैंस का लोकल दूध अपने ही मुल्क अपनी शहरी सनत को इतना महंगा करके देंगे तो हमसे तो ये भी हक छीना जा रहा है ना भाई। ये जो बैठे हैं हजरात ऊपर तक, उनको चाहिए समझें कि इस चीज़ को समझें, वो गरीब की गरीबों को समझें कि वो किस तरह उनको मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो। थोड़ा सा रिक्वेस्ट है इंसानियत होने के नाते, ये दूध के अंदर ही इतना बढ़ा दिया, घर में तवाज़ो है इंसानियत होने के नाते, कदीम कल्चर है कि घर में आता है बंदा चाय पान पूछ लेता है, वो भी ना पूछेगा मेहमान आएगा सूखा सूखा चला जाएगा। तो ज़रा इस चीज़ को आप ख़ुद भी मीडिया बताइए लोगों, इस तरीके से हो रहा है महंगाई, क्यों ऐसा जुल्म किया जा रहा है? ये हुकूमत तो तमाशा देख रही है बस सिर्फ लोगों का, क्या कर रही हैं, कुछ भी नहीं कर रहा है। रमज़ान से ये दिन आ गए, इन लोगों ने दिमाग ख़राब करा हुआ है। हर चीज़ महंगी हो रही है, सिर्फ दूध ही महंगी है भाई। देख लें आप, टमाटर देखें, दूध देखें, 200 रुपये बताओ, गरीब आदमी कहाँ से दूध लेगा? 200 रुपये का रखेगा तो 1 किलो दूध लेगा, उसकी 5-6 बच्चे हैं वो क्या करेगा? हाँ ना, प्राइस कंट्रोल है, कमिश्नर कराची की टीम है, जो प्राइस कंट्रोल की टीम है वो चेक एंड बैलेंस नहीं रख रही है, मनमानियाँ चल रही हैं, मुनाफा तो जो जिसके दिल चाह रहा है वो कर रहा है। अभी देखो तो ये है, वो कहते हैं बढ़ गई पैसे, अब क्या करें, बढ़ गए, लेना तो ज़रूरी है ना, क्या करें। दूध की कीमतों में इजाफा ये आर्टिफिशियली हुआ है बेसिकली, क्योंकि देखें अब सब चीज़ें डाउनवर्ड आ रही हैं, डॉलर नीचे आ गया है, ऑयल प्राइसेस नीचे आ गए हैं, तो बेसिकली इन्फ्लेशन को भी नीचे आना चाहिए। हाइपर इन्फ्लेशन ख़ुद बनाया गया आर्टिफिशियली है, मिसमैनेजमेंट है, ये और कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिसकी जो मर्ज़ी आ रही है वो अपने हिसाब से बेच रहा है, वो डीसी साहब हैं वो अपने हिसाब से एक प्राइस लिस्ट दे देते हैं, बाकी जो शॉपकीपर्स हैं वो उसको फॉलो नहीं करते, कोई इस पर कार्रवाई नहीं होती है। आप समझते हैं कि कानून तो है मगर उस पर अमल दरामद नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं? देखें कानून है, उस पर चेक एंड बैलेंस तो है ही नहीं, और जो कानून है उसको दे नीड टू इम्प्रोवाइज, उसको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं और उन लूप होल्स का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि ये आगे से बताते हैं हमें ये चीज़ इस तरीके से आ रही है, ये चीज़ इस तरीके से आ रही है, वो प्लस टैक्स इन्वेजन होता है, टैक्स बहुत ज़्यादा बचाते हैं, वो टैक्स गवर्नमेंट तक नहीं पहुँचता, गवर्नमेंट रिलीफ नहीं दे सकती, प्लस चेक इन बैलेंस नहीं, ओवरऑल सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ठीक करनी है, जो हम ठीक नहीं कर रहे हैं।